ये हमारा हेलो अल्केन एंड हेलो आरिन यूनिट से थर्ड वीडियो लेक्चर है। हमने सेकेंड लेक्चर में देखा था नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ मोनो हलोजन, डाई हलोजन, ट्राई हलोजन एंड टेट्रा हलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। उसके बाद हमने हलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्किन्स के भी देखे थे और हलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइन्स के भी नोमेनक्लेचर देखे थे, हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे। आज हम ये सब पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। आप अपने नोटबुक में इसे नोट करो, शायद हमें इरेज करना पड़े जब एग्जांपल्स बहुत सारे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अरिन्स। अरिन्स होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अगर हम देखें तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सबसे सिंपल एग्जाम्पल है बेंजीन। बेंजीन के स्ट्रक्चर आप बहुत बार खुद से बनाओ, ये बेंजीन है। अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ये भी लेंगे तो भी करेक्ट है, इट्स नेम इज टोलिन, टी ओ एल यू ई एन ई, ऑल्सो मिथिल बेंजीन इज ऑल्सो एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर इस जगह पे हम सी टू एच फाइव लेंगे तो उसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन, विच इज ऑल्सो एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर इसी जगह पर या फिर किसी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को हम आइसोप्रोपिल लगाएंगे, आइसोप्रोपिल दैट इज CH3 और यहाँ पे अगर हम बेंजीन रिंग को रखेंगे तो इसका नाम होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन, उसी को स्पेशल नेम क्यूमिन भी बोलते हैं, CUMENE। तो ये सभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। उससे अगर हम जो हाइड्रोजन sp2 कार्बन को डायरेक्टली अटैच हुआ है उसे अगर निकाल के हम एक या फिर दो या फिर तीन हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, अगर इफ वन हाइड्रोजन रिप्लेस बाय वन हाइड्रोजन इट इज कॉल्ड मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अरिन्स। अगर दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दो हाइड्रोजन हमने डाल दिए तो बन जाएगा डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव। उसके बाद अगर इफ वी रिप्लेसेस थ्री हाइड्रोजन एटम्स ऑफ बेंजीन या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय थ्री अनदर हैलोजन देन ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स, एंड इफ वी रिप्लेसेस फोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ बेंजीन, वो भी कौन से हाइड्रोजन, दोज हाइड्रोजन विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, अगर इसका एच हम रिप्लेस करें तो अल्किल हैलाइड बन जाएगा। और ये भी कार्बन का एच हम रिप्लेस करेंगे, इस दोनों में किसी भी कार्बन का अगर हम एच रिप्लेस करेंगे तो वो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स बन जाएंगे, आरिन्स के नहीं। तो आरिन्स के हैलोजन डेरिवेटिव्स बनने के लिए हमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का ही एच रिप्लेस करना होगा। ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन या फिर आरिन्स, आप हेडिंग बना लो नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, इट्स एन बेंजीन। बेंजीन का अगर हम कोई भी एक एच रिप्लेस करेंगे उसके बदले हम क्लोरीन लगाएंगे या फिर ब्रोमीन या फिर आयोडीन या फिर फ्लोरीन लगाएंगे, तो ये मोनो हैलोजन डेरिवेटिव हो गया। अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम एज वेल एज IUPAC सिस्टम, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ आरिन्स हैव सेम नेम, इट्स कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम इज सेम। द वर्ड इज हेलो आरिन, हेलो बिकम प्रफिक्सेस, उसके बाद हमें आरिन लिखना है, आरिन यानी कि बेंजीन लिखो, टोलिन लिखो या फिर क्यूमिन ऑल्सो। तो प्रफिक्स हेलो, इट्स कॉमन नेम, मैं नाम लिखूंगा, आप नोट्स बना रहे हो, इट्स कॉमन नेम इज क्लोरोबेंजीन एज वेल एज इट्स IUPAC नेम इज ऑल्सो क्लोरोबेंजीन। अगर हम ये एग्जाम्पल लेंगे, इट्स कॉमन नेम एंड IUPAC नेम इज ब्रोमोबेंजीन, इफ वी रिप्लेसेस ब्रोमिन बाय फ्लोरिन को कहाँ भी रखो, किसको भी, इट इज फ्लोरो FLUORO फ्लोरोबेंजीन, अगर आप यहाँ पे ब्रोमो लिखो तो इट इज ब्रोमोबेंजीन। अगर आप और एग्जाम्पल लेना चाहते हो, दैट वन इज टोलिन, ये टोलिन है और टोलिन इसका स्पेशल नेम भी है, हमने स्पेशल नेम्स देखे हाइड्रोकार्बन्स 11 स्टैंडर्ड में, ऑल्सो टोलिन। अगर इसको हम रिप्लेस, अगर इस पांच कार्बन में से किसी एक एच को रिप्लेस करके अगर हम कोई हैलोजन लेंगे, इट इज एन हेलो टोलिन, इट इज टू क्लोरो टोलिन, इट्स टू क्लोरो टोलिन या फिर
ऑर्थोक्लोरोटोलिन। अगर बेंजीन रिंग को दो सब्सटीट्यूएंट्स हो, इट इज़ नॉट डाई हैलो डेरिवेटिव, इसमें दो हैलोजन नहीं है, लेकिन इसमें दो सब्सटीट्यूएंट्स है, क्लोरो भी सब्सटीट्यूएंट है और मिथाइल भी सब्सटीट्यूएंट है, हेंस इट्स नेम इज टू क्लोरोटोलिन या फिर ऑर्थोक्लोरोटोलिन। एक नंबर पोजिशन के रिस्पेक्टिवली दो और छः ऑर्थो होती है, एक नंबर पोजिशन के रिस्पेक्टिव थ्री एंड फाइव बिकम मेटा, एंड एक नंबर पोजिशन के सामने वाली पोजिशन होती है प्यारा। हम देखेंगे डायहैलोजन डेरिवेटिव में, तो इसका नाम होता है टू क्लोरोटोलिन या फिर ऑर्थोक्लोरोटोलिन। उसके बाद हम देखेंगे डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अरिन्स, स्पेशली हम बेंजीन के बारे में बात करेंगे। आप हेडिंग बना लो नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। इसमें कॉमन सिस्टम अगर देखें तो देयर आर थ्री प्रीफिक्सेस ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर ऑफ डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। थ्री प्रीफिक्सेस ड्यूरिंग कॉमन नेम सिस्टम, ऑर्थो ओ आर टी एच ओ, इसे आप स्मॉल ओ भी बोलोगे, मेटा स्मॉल एम, और उसके बाद प्यारा स्मॉल पी। बहुत ही ईजी है ये, आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा है। फिर एक बार हम रिवाइज करेंगे इसको। हम बेंजीन लेंगे सभी जगहों पर, और तो क्या होता है, समझो हम हमारी ये एक नंबर की पोजीशन है, और विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पोजीशन द सेकेंड एंड द सिक्स्थ पोजीशन इज कॉल्ड एज ऑर्थो, सेकेंड एंड सिक्स्थ इज कॉल्ड एज ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन फर्स्ट। विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन फर्स्ट द कार्बन एटम एट थर्ड प्लेस थ्री एंड फिफ्थ पोजिशन इज कॉल्ड एज मेटा। हालांकि तीन नंबर कार्बन के ऊपर भी और पांच नंबर कार्बन के ऊपर भी और यहां पे भी अगर हैलोजन हो तो इट इज नॉट डायहैलोजन डेरिवेटिव। एक तो यहां पे है ही, उसके बाद एक तो तीन नंबर कार्बन एटम भी होना चाहिए, या फिर राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज हम आएंगे तो यहां पे एक तो तीन नंबर कार्बन पे होना चाहिए या फिर पांच नंबर पर, अगर तीनों जगह पे हो तो इट बिकम्स ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव। तो पांच नंबर होता नहीं है, वो एंटी क्लॉकवाइज वो तीन नंबर ही आता है। विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पोजिशन द पोजिशन नंबर थ्री एंड फाइव इज कॉल्ड एज मेटा, एंड विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन नंबर वन फोर्थ पोजिशन इज टर्म्ड एज प्यारा पोजिशन। इस फोर्थ पोजिशन को हम प्यारा बोलते हैं। अगर हम दो हैलोजन्स लेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे हम, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे भी क्लोरीन है, इट बिकम्स ऑर्थो ओ डाई क्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। हम यहाँ पे अगर ब्रोमीन लेंगे और यहाँ पे लो ब्रोमीन या फिर यहाँ पे लो, इट्स बिकम मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। अगर हम यहाँ पे आयोडीन लेंगे, यहाँ पे भी अगर आयोडीन लेंगे, इट्स नाम बिकम प्यारा PARA प्यारा डाई आयोडो बेंजीन। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो भी नाम ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन ही है। अगर हम ये BR यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो भी इसका नाम मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन है। अगर आप आयोडीन यहाँ से या दो पोजीशन निकालो, यहाँ पे रख दो, तो भी ये प्यारा डाई आयोडो बेंजीन ही है। अगर दो हैलोजन सेम नहीं हो तो यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे समझो सपोज ब्रोमीन है, तो ऑर्थो तो है ही, उसके बाद अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, तो ब्रोमीन पहले आता है क्लोरीन से, इसलिए ऑर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, ऑर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। सिमिलरली यहाँ पे अगर दो डिफरेंट हैलोजन्स हो लाइक आयोडीन, इट्स बिकम मेटा ब्रोमो आयोडो बेंजीन। यहाँ पे अगर फ्लोरीन हो तो इट बिकम्स प्यारा फ्लोरो आयोडो बेंजीन। अगर हम इसके IUPAC नेम्स की बात करेंगे तो हमें नंबर्स देने हैं, इसके अगर हम नंबर्स देंगे इट बिकम 1.2 डाई क्लोरो बेंजीन। हम डाई प्रीफिक्स कब लगाएंगे, जब दोनों हैलोजन सेम हो तभी। इट्स IUPAC नेम इज, हम मेटा नहीं लिखेंगे, नंबर देंगे नंबर वन नंबर थ्री, वन ब्रोमो थ्री आयोडो बेंजीन, वन ब्रोमो थ्री आयोडो बेंजीन, और इसका IUPAC नेम होगा वन फ्लोरो फोर आयोडो बेंजीन। उसके साथ आप अगर दोनों हैलोजन सेम लोगे
तो 1.3 डाइब्रोमोबेंजीन, ये भी दोनों अगर सेम हो तो 1.4 डाइफ्लोरोबेंजीन। दिस इज ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अरिन्स। उसके बाद अगर हम ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अरिन्स लेंगे, अब हेडिंग बना लो नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अरिन्स। तो अभी बहुत कम एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, हम दो या तीन एग्जाम्पल लेंगे। पहला तो ये लेंगे, इफ देर आर थ्री सेम हैलोजन्स, आप कहीं से भी नंबर करो, कहीं से भी नंबर करो, आप कौन से भी कार्बन एटम को जिसको क्लोरीन अटैच है उसको एक नंबर दोगे तो एक, आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ या फिर क्लॉकवाइज रोटेट करो, 1, 3 and 5 ये बनता है, या फिर यहाँ पे एक नंबर दो 1, 3 और 5 भी होगा, या फिर यहाँ से स्टार्ट करो 1, 3 and 5 ही होगा। किसी भी जगह से आप अगर नंबर कर रहे हो और 1, 3, 5 आ रहा है तो दिखने पे सिमेट्रिकल दिख रहा है, सभी जगहों से वैसे ही दिख रहा है, इसलिए इसका प्रीफिक्स होगा SYM सिमेट्रिकल। ये कॉमन सिस्टम है, सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरोबेंजीन। अगर सिमेट्रिकल लिखा है तो 1, 3, 5 बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका हम IUPAC नेम देंगे तो 1.3.5 ट्राइक्लोरोबेंजीन। उसके बाद अगर हम ये 1, 3 and 5 पोजीशन को छोड़ के अगर कोई अनादर पोजीशंस लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेंगे क्लोरीन, यहाँ पे लेंगे क्लोरीन और यहाँ पे भी लेंगे क्लोरीन, तो इस समय हम अल्फाबेटिकली तो सभी क्लोरो 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 ही है, तो नंबर्स को बहुत प्रेफरेंस होता है। जिस कार्बन को हमने नंबर्स दिए उसके एडिशन सबसे कम आनी चाहिए, उस तरह से हमने 1, 2 and 4 ऐसे नंबर आएंगे, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, तो इसकी एडिशन हो जाएगी 1, 2 and 4 इट बिकम 7। उसके बाद अगर आप ट्राई करो खुद से, यहाँ पे एक नंबर दोगे और क्लॉकवाइज रोटेट करोगे 1, 3 and 6 बन जाएगा, 1, 3 and 6 और इसकी एडिशन बन जाएगी 10, वो गलत होगा। अगर आप यहाँ पे एक नंबर दोगे और क्लॉकवाइज जाएंगे 1, 4 और 5 1, 4 और 5 अगेन इट बिकम्स 10। अगर आप यहाँ पे एक नंबर दोगे और क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज आओगे 1, 4 and 6 1, 4 and 6 11, ये तीनों भी कंडीशंस गलत होंगे क्योंकि इसकी एडिशन कम से कम नहीं आ रही है। इसे करेक्ट नंबर सिस्टम इज 1, 2 and 4, देयरफॉर इट्स IUPAC नेम, इसको कॉमन नेम नहीं होता है बच्चों। इस IUPAC नेम इज 1.2.4 ट्राइक्लोरोबेंजीन, 1.2.4 ट्राइक्लोरोबेंजीन। अगर आप यहाँ से क्लोरीन को हटाओगे और ब्रोमीन को लोगे तो नंबरिंग सिस्टम तो वही बनी रहेगी 1.2.4, बट ड्यूरिंग नेमिंग, नाम लिखते समय नंबर्स तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन किसका नाम पहले लिखेंगे, कौन से सब्स्टिट्यूएंट का, तो जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसका नाम हम पहले लिखेंगे, इसलिए इट्स नेम IUPAC नेम बिकम 4-bromo-1.2-dichlorobenzene 4-bromo-1.2-dichlorobenzene। उसके बाद आप हेडिंग बना लो नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। हमारे क्यूरिकुलम में इसका एक एग्जांपल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मैंने पहले लेक्चर में इस यूनिट के आपको ये स्ट्रक्चर दिया था और मैंने कहा था कि आप खुद से ट्राई करो अपने घर पर और उसका आंसर मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। स्ट्रक्चर था ये क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन था और यहाँ पे भी क्लोरीन था, यहाँ पे भी क्लोरीन था। मुझे लगता है 90% स्टूडेंट ने इसका नाम लिखा होगा 1, 2, 3 and 5 1.2.3.5 टेट्राक्लोरोबेंजीन, ऐसा ही लिखा होगा। अगर आपने ऐसा नाम लिखा है 1.2.3.5 तो ये नाम बच्चों गलत है, इसका हम रीज़न अभी देंगे आपको। रीज़न के लिए आपको थोड़ा रेजोनेंस आने की ज़रूरत है। अगर सबसे स्टार्ट में अगर ये बेंजीन होता
और हमें इसमें क्लोरीन के सब्सटेंट्स ऐड करने हैं। तो बेंजीन को हम बेंजीन के रिएक्शन हमें मालूम है, बेंजीन कैन अंडरगोज प्रेफरेंशियली इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट होता है। अगर इसका हम क्लोरीनेशन करेंगे, व्हेन बेंजीन अंडरगोज क्लोरीनेशन, तो देखो हम इसमें क्लोरीन को ऐड करेंगे, यहाँ से Cl प्लस का निर्माण करना हो, Cl प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल अगर इसका निर्माण करना हो तो हमें लेना चाहिए लेविस एसिड। और इस एग्जाम्पल में कोई भी लेविस एसिड लो आप, आइदर या फिर अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लो या फिर अनहाइड्रस FeBr3 लो, FeCl3 भी ले सकते हो। लेविस एसिड क्या करता है, इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। पहले तो ये दोनों रिएक्शंस करेंगे AlCl3 एंड Cl2, AlCl3 प्लस Cl2 ये रिएक्शंस करेंगे। AlCl3 इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है क्योंकि ये लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो ये यहाँ से ये दोनों में से जो बॉन्ड है वो एक साइड से ब्रेक करता है, इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी तरफ खींच लेता है। तो बनता क्या है, AlCl4 और एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज आता है प्लस। ये एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस चार्ज कैसे आता है, तो बच्चों आप इसके लिए देखो फॉर्मल चार्ज फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। ये AlCl4 प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, AlCl4 माइनस सॉरी बच्चों, और बचेगा Cl प्लस, ये है क्लोरोनियम आयन, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की तरफ आ जाएगा और बनाएगा क्लोरोबेंजीन, तो इसका प्रोडक्ट आ रहा है क्लोरोबेंजीन। ये आप कहाँ पर भी लिखो, मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद और क्लोरीन आने वाले हैं, तो क्लोरीन को आपने देखा है, क्लोरीन इज ऑर्थो प्यारा डायरेक्टिंग, क्लोरीन आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड प्यारा पोजिशन पर भेजता है, क्लोरीन आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कभी भी मेटा पोजिशन पर नहीं भेजता है। और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को जो इन रिएक्शन में ऐड हो रहा है उसको ऑर्थो और प्यारा पर ही क्यों भेजता है, तो क्लोरीन के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, आपको कंजुगेशन के बारे में बिल्कुल मालूम है, रेजोनेंस की कंडीशंस मालूम है। अगर लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड ईप इज इन कंजुगेशन, देन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर माइग्रेटेड टूवर्ड्स द पाई बॉन्ड, तो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। इसके 5 स्ट्रक्चर आप बनाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, देखो भी आपका हाइड्रोकार्बन टॉपिक, कार्बोकैटायन कार्बेनियन, उसके बाद ये सब रेजोनेंस फॉर्म में आया है। अगर ये लोन पेयर नीचे आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, तो वैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए, स्टेबल होने के लिए ये बॉन्ड आगे घूम जाएगा और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे बॉन्ड नहीं हो रहा है, ये पाई बॉन्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, तो एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, हाइड्रोजन का बॉन्ड हिडन है, 3 बॉन्ड्स और एक लोन पेयर होता है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मल चार्ज, कार्बन के ऊपर अगर 3 बॉन्ड्स हो, कोवेलेंट बॉन्ड और एक लोन पेयर हो, तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज बनता है माइनस, इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, इट इज कार्बेनियन। ये माइनस चार्ज की पोजीशन डेफिनेट नहीं है, इट इज़ नॉट फिक्स पोजीशन। अगर ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स अगर नीचे आ रहे हैं तो यहाँ का यहाँ जाएगा और अगेन इट बिकम्स नेगेटिव चार्ज। ये भी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, जो लोन पेयर के यानी कि नेगेटिव चार्ज जिस इलेक्ट्रॉन की वजह से, दे आर नॉट फिक्स, दे आर डी लोकलाइज्ड, उसका लोकेशन डेफिनेट नहीं है। वो अगर आगे जा रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, ये अगर यहाँ पे जा रहा है तो ये फिर वापस अपनी तरफ जाएगा। इसके 5 स्ट्रक्चर आप लिख लो, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो क्या हो रहा है, आने वाला तो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल किस पर अट्रैक्ट करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो, इसलिए इस क्लोरीन के कंपेरेटिवली ये 2 पोजिशंस 2 और 6 ऑर्थो हैं और नीचे वाला प्यारा है, तो आने वाले क्लोरो इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस आएंगे 2, 4 और 6 के ऊपर। स्ट्रक्चर जो हमने आपको दिया था एग्जाम्पल में वो तो यही था, Cl, Cl, Cl और Cl। ये स्ट्रक्चर तैयार कब होता है, जब क्लोरीन पहला यहाँ पे हो, और इसलिए इसको नंबर 1 आएगा, इसको नंबर 2 आएगा, इसको नंबर 4 और इसको 6 नंबर आएगा, इसलिए इट्स नेम इज़ 1, 2, 4, 6।
टेट्रा क्लोरो बेंजीन एंड नॉट 1, 2, 3 and 5। अगर आप यहाँ पे एक नंबर दे रहे हो और यहाँ पे दो नंबर दे रहे हो, यहाँ पे तीन और यहाँ पे पांच, तो बच्चों ये क्लोरीन तो मेटा डायरेक्टिंग हो रहा है, आने वाले ये Cl+ को मेटा पर भेज रहा है, इट इज नॉट इन मेटा डायरेक्टिंग, इसलिए इसका नाम है 1, 2, 4, 6 टेट्रा क्लोरो बेंजीन। इसको आप जिन जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है, इस पॉइंट को आप दोबारा रिवाइज करके देखो। उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड्स। कार्बन हैलोजन बॉन्ड का नेचर क्या होता है इन अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल हम लेंगे, आज हम सिर्फ मिथाइल हैलाइड्स के बारे में बात करेंगे। मिथाइल हैलाइड्स तो देखो ये सी है, ये एक्स है, इस कार्बन को और भी तीन वैलेंसीज हैं, यहाँ पे आर हो सकते हैं तीनों जगह पे, आर आर एच हो सकता है या फिर एच एच आर हो सकता है, हम यहाँ पे एच एच लेंगे, आप आर भी ले सकते हो। कार्बन को अगर कार्बन के चारों वैलेंसीज अगर सिंगल बॉन्ड से बने हैं तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री होता है, आपने इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। ये एक से यानी कि कोई भी हैलोजन है। द कार्बन हैलोजन बॉन्ड ये नॉन पोलर है या पोलर बॉन्ड है, आपको पोलर बॉन्ड मालूम है नॉन पोलर बॉन्ड मालूम है, आपने अगेन केमिकल बॉन्डिंग में देखा है पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में कितना पोलर कैरेक्टर होता है ये डायपोल मोमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, डायपोल मोमेंट हम थोड़ी बार देखने वाले हैं आज। अगर आपको मालूम है कि हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और जो भी एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। अगर वैल्यूज के बारे में देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू लाइनस पॉलिंग, लाइनस पॉलिंग ने पहली बार इसे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, वैल्यूज भी दिए थे। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.55, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0, हालांकि ये 3.96 परफेक्ट होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.88 और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.66। इन चारों भी हैलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। कोई भी हैलोजन यहाँ पे हो तो वो इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ होंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, इसलिए अगर ये हैलोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, नॉट कम्प्लीटली, और कार्बन के ऊपर उसी समय पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर दो पोल्स का निर्माण हो रहा है तो बॉन्ड बिकम्स पोलर, इसलिए ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड्स इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो कोवेलेंट ही है, ये बॉन्ड शेयरिंग करके हुआ है लेकिन उसमें भी वो पोलर बॉन्ड है। आपको नॉन पोलर बॉन्ड मालूम है, सीएल सीएल मॉलिक्यूल नॉन पोलर बॉन्ड भी नॉन पोलर है, बीआर बीआर है, CO2 है एक्सेट्रा। ये बॉन्ड किस ओवरलैप से बन रहा है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, आपको हैलोजन मालूम है, हैलोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है हैलोजन का NS2 NP5। NP5 में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, अगर NP5 हम ऐसे लिख रहे हैं 1, 2, 3 अकॉर्डिंग टू हंस रूल, और यहाँ पे बॉन्डिंग की संभावना है, यहाँ पे ही बॉन्ड होगा। हमने देखा है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ओनली व्हेन टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद ईच अदर। ये ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी जेड ऑर्बिटल कार्बन के एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप होगा और कार्बन का एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल sp3 होगा, sp3 उसके साथ ही ओवरलैप होगा, और द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय sp3p ओवरलैप। sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसका, कार्बन का, और पी ऑर्बिटल कहां से, हैलोजन से, कोई भी हैलोजन हो। अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें बाय कंसिडरिंग अल्काइल हैलाइड्स, तो अगर हम देखेंगे RF, RCl, RBr और RI, इफ R इज सेम, अगर अल्काइल ग्रुप सेम हो तो हैलोजन्स का एटॉमिक साइज नीचे नीचे बढ़ रहा है अकॉर्डिंग इन 17th ग्रुप इन हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन में दो शेल्स होते हैं, क्लोरीन में दो शेल्स होते हैं, ब्रोमीन में चार शेल्स होते हैं और आयोडीन में पांच शेल्स होते हैं, SHE LS। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं एज वी मूव डाउन द ग्रुप इट्स एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू न्यू शेल्स आर सक्सेसिवली एडेड।
अगर ये R सेम है तो फ्लोरीन की साइज, क्लोरीन की साइज, ब्रोमीन की साइज, आयोडीन की साइज, फ्लोरीन टू आयोडीन साइज इंक्रीजेस। इसलिए अगर साइज बढ़ रही है तो बॉन्ड की लेंथ भी बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीजेस। इसलिए अल्किल फ्लोराइड्स टू अल्किल आयोडाइड्स, बॉन्ड लेंथ ऑफ अल्किल आयोडाइड्स आर ग्रेटर देन अल्किल ब्रोमाइड्स। अल्किल ब्रोमाइड की बॉन्ड लेंथ अल्किल क्लोराइड से ज्यादा होगी और अल्किल क्लोराइड की बॉन्ड लेंथ अल्किल क्लोराइड से ज्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर हम स्पेसिफिकली मिथाइल हैलाइड्स का एग्जांपल लेंगे, मिथाइल हैलाइड्स तो CH3F हैव वेरी शॉर्ट बॉन्ड लेंथ देन CH3Cl, इसकी बॉन्ड लेंथ CH3Br से कम है और CH3Br की बॉन्ड लेंथ मिथाइल आयोडाइड से कम है। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड वीक हो रहा है। इसलिए कौन सा बॉन्ड, ये बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ वो भी कौन से ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इफ द बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर द बॉन्ड बिकम्स वीक, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड कौन होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर क्या होगी, मिथाइल फ्लोराइड की जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो बॉन्ड बिकम मोर एंड मोर स्ट्रांग। इसलिए मिथाइल फ्लोराइड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन मिथाइल क्लोराइड्स, विच वन आर मोर स्ट्रॉन्गर देन मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन मिथाइल आयोडाइड। सबसे वीक कौन है, सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है, तो मिथाइल आयोडाइड का बॉन्ड सबसे वीक है। जिसका बॉन्ड सबसे वीक है उस पर अटैक पहले होगा, वो सबसे पहले रिएक्शन में इंक्लूड होगा। इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये ऑर्डर किसकी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की ऑर्डर है। बच्चों एग्जाम के समय क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर को कंसल्ट किया है, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने का। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो मिथाइल आयोडाइड अल्किल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन मिथाइल ब्रोमाइड, विच इज मोर रिएक्टिव देन मिथाइल फ्लोराइड, विच इज मोर रिएक्टिव देन मिथाइल फ्लोराइड। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन है, मिथाइल फ्लोराइड इज मोर लेस रिएक्टिव ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर हम इस बॉन्ड लेंथ की बात करें पिकोमीटर में, और वो भी मिथाइल हैलाइड्स के केस में, तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है मिथाइल हैलाइड की, इट बिकम्स 234 पिकोमीटर। और सबसे जो कम बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है मिथाइल फ्लोराइड की, इट बिकम्स 139 पिकोमीटर, 139 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम मिथाइल फ्लोराइड टू मिथाइल आयोडाइड, इसकी होती है 178। और अगर आप मिथाइल ब्रोमाइड की बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करेंगे, इट बिकम्स 193। ये सभी वैल्यू हमारे एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ये बॉन्ड लेंथ हो रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी की अगर हम बात करेंगे वो भी मिथाइल हैलाइड्स के बारे में, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, बॉन्ड एंथैल्पी हम बाद में देखेंगे। अगर हम वही चार हैलाइड्स लेंगे, मिथाइल हैलाइड्स CH3F CH3Cl देन मिथाइल ब्रोमाइड और उसके बाद हम लेंगे मिथाइल आयोडाइड, सभी में कॉमन क्या है, तो मिथाइल कॉमन है और कार्बन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसे एन भी बोलते हैं। केमिस्ट्री में एन बहुत तरीके का होता है, टॉपिक जैसे जैसे चेंज होगा एन का अर्थ भी बदलता जाएगा। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और कार्बन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दो होता है, कार्बन में दो शेल्स होते हैं। वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फ्लोरीन का होता है दो, क्लोरीन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तीन है। आउटर मोस्ट शेल का नंबर, मेन शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है, ब्रोमीन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चार होता है, आयोडीन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पांच होता है। बच्चों सबसे बढ़िया बॉन्ड किसमें बनता है, अगर ओवरलैप दो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बीच में हो, इफ द ओवरलैप इज इन बिटवीन टू सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द ओवरलैप इज वेरी वेरी स्ट्रांग। यहां पे कार्बन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दो, सभी जगह कार्बन का क्वांटम नंबर दो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेन क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर चार होते हैं,
आपने 11th स्टैंडर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ एटम टॉपिक से या फिर कहीं कहीं जगह पे इसका नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है, वहाँ से क्वांटम नंबर देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, उससे हम यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करेंगे। फ्लोरीन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, क्लोरीन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, ब्रोमीन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है और आयोडीन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल का नंबर। हमने अभी क्या देखा है, द बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रांग व्हेन ओवरलैप इज इन बिटवीन टू सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। यहाँ का ओवरलैप दो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बीच में है तो इसका ओवरलैप बहुत स्ट्रांग होगा और इसका ओवरलैप सबसे कम होगा। अगर हम लॉजिकली देखेंगे, लॉजिकली ये सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसकी फ्रेंडशिप सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे से बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा है और उसकी फ्रेंडशिप फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे के साथ अच्छी नहीं बनेगी, दोनों के विचार नहीं मैच होंगे, इसलिए ये लॉजिकली है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल क्लोराइड इज वेरी स्ट्रांग, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, किससे, मिथाइल क्लोराइड से। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी है मिथाइल ब्रोमाइड से, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी है मिथाइल आयोडाइड से। अगर हम बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी का दूसरा अर्थ भी एनर्जी होता है। अगर हम बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ मिथाइल हैलाइड्स के बारे में बात करेंगे, वही चार फिर एक बार आएंगे, मिथाइल क्लोराइड, क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो एक मोल अगर हम कंपाउंड लेंगे और उसके बीच वाले, उसके बीच में बॉन्ड्स को ब्रेक करना हो, व्हेन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन वन मोल ऑफ मोलिक्यूल्स, एक मोल मोलिक्यूल्स लेंगे यानी कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स लेंगे, उसमें से हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, उसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, दैट इज मेजर्ड इन किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। तो बच्चों सबसे बढ़िया बॉन्ड कौन सा है, स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा है, इट इज CH3F। तो इसको ब्रेक करने की बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, उससे कम एनर्जी लगेगी CH3Cl, उससे कम एनर्जी लगेगी CH3Br को, और सबसे कम एनर्जी लगेगी CH3I को, इसलिए सबसे रिएक्टिव भी है। अगर कि इसकी वैल्यूज हम देखते हैं इन किलोजूल पर मोल, तो 452 किलोजूल पर मोल इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ मिथाइल क्लोराइड, और सबसे कम वैल्यू किसकी है, तो मिथाइल आयोडाइड की, इट इज 234 किलोजूल पर मोल। और इन दोनों के बीच में वैल्यूज हैं मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड की। अगर हम वैल्यूज की डेफिनेटली बात करेंगे तो मिथाइल क्लोराइड का बॉन्ड एंथैल्पी होता है 351 किलोजूल पर मोल और मिथाइल ब्रोमाइड की वैल्यू होती है 293 किलोजूल पर मोल। बच्चों आपको ये वैल्यूज याद नहीं करने, आपको सिर्फ ऑर्डर मालूम होना चाहिए। वैल्यूज की वैल्यू सिर्फ आपको स्टैटिस्टिकल डाटा है, इस डाटा से आपको बहुत अच्छी तरह से कंटेंट समझ में आएगा, इसलिए हमने लिखे हैं। और आखिरी हम बात करेंगे डायपोल मोमेंट के बारे में, डायपोल मोमेंट ऑफ दीज फोर मिथाइल हैलाइड्स। डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन और उसका बहुत सारा कंसेप्ट आपने केमिकल बॉन्डिंग से देखा है। केमिकल बॉन्डिंग को छोड़ना नहीं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको उसे हर बार रिवाइज करना होगा। हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंथैल्पी है, बहुत कुछ है, VBT है, MOT है, बहुत बहुत है। अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करेंगे, उसका नोटेशन है म्यू और इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है क्यू इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। जिसका मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा हो उसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा। हमने देखा है इन सिंपल वे जनरल रूल क्या होता है, अगर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा हो तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए। और हम इन चारों की बात करेंगे, मिथाइल क्लोराइड, उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल आयोडाइड, इसका बहुत बढ़िया ट्रेंड है इसलिए हम देख रहे हैं, अगर ट्रेंड नहीं होता तो हम नहीं देखते। एक्सपेक्टेड क्या है, देखो कार्बन के बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि सभी जगह पे कार्बन तो सेम ही है। ये डी यानी कि डिस्टेंस होता है, कार्बन का सेंटर और फ्लोरीन का सेंटर, उसके बीच का डिस्टेंस, इसलिए बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ नीचे नीचे बढ़ रही है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है और चार्ज फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, चार्ज सभी का -1 ही है, लेकिन उसमें से भी कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो फ्लोरीन खींच रहा है, इसलिए फ्लोरीन का क्यू सबसे ज़्यादा है। और
जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? फ्लोरीन से अचानक क्लोरीन की साइज बढ़ती है, क्योंकि फ्लोरीन में दो शेल्स है, फ्लोरीन में तीन शेल्स है, और तीसरे शेल की कैपेसिटी 18 होती है, सेकेंड शेल की कैपेसिटी 8 होती है, अचानक से साइज में बूम आता है, ज़्यादा बढ़ती है। कहाँ पे? फ्लोरीन टू क्लोरीन। इसलिए क्यू किसका ज़्यादा है? फ्लोरीन का है। सबसे क्यों कम किसका है? आयोडीन का है। डी सबसे ज्यादा किसका है? आयोडीन का है। लेकिन डी फ्लोरीन से ज्यादा किसका है? क्लोरीन का, और कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा। इसलिए प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड डी, यहां पे क्यू एंड डी क्यू ज्यादा है, यहां पे क्यू ज्यादा है क्लोरीन से, चार्ज क्लोरीन का चार्ज थोड़ा कम है, क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, डिस्टेंस कम है। इस वजह से मिथाइल क्लोराइड का ये मल्टीप्लिकेशन नंबर ज़्यादा होता है, इसलिए मिथाइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा है। किससे? मिथाइल क्लोराइड से। तो ऑर्डर बताओ डाइपोल मोमेंट के, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इट्स करेक्ट ऑर्डर इज मिथाइल क्लोराइड हैज ग्रेटेस्ट डाइपोल मोमेंट देन मिथाइल फ्लोराइड विच हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ म्यू दैट इज डाइपोल मोमेंट than methyl bromide and which has a greater dipole moment values than methyl iodide. Dipole moment को हम measure करते हैं DEBYE, DBA में, short DB बोलते हैं। अगर हम इसके values भी देखेंगे इन DBA में, तो methyl chloride की value होती है 1.860 methyl chloride की, sorry 1.860, ये सबसे ज़्यादा है। मिथाइल क्लोराइड की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मिथाइल क्लोराइड से कम है, अगर हम एग्जैक्टली देखेंगे इट इज 1.847। ये भी वैल्यूज आपके एनसीईआरटी के बुक में गिवन है, या फिर आपने इस वैल्यूज को केमिकल बॉन्डिंग में भी देखा होगा। मिथाइल ब्रोमाइड की वैल्यू 1.830 होती है, और उसके बाद अगर हम मिथाइल आयोडाइड की बात करेंगे उसकी वैल्यू सबसे कम होती है 1.636। आप सब इसे नोट करो, आज के लिए इतना बस। हम आने वाले वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कल हैलाइड्स, बहुत सारे रिएक्शन से बच्चों, हम बहुत ही बेसिक से लेंगे और मैकेनिज्म तक सब कुछ देखेंगे। और एक बात, अगर आप चैनल पर वीडियोस देख रहे हो और फिर भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तभी आप इसे सब्सक्राइब करो, और आपको इस के बारे में समझ में आ रहा है तो इसे लाइक भी करो। जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे उतना हमें जोश आएगा और सारे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।